हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो है मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इसमें जो मैं आपसे बात करूँगी वो मैं बात करूँगी अबाउट दी वेरियस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो अगर पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग एक तरीके की वो एक्टिविटी है या वो एक स्पेशलाइज फंक्शन है, एक सेपरेट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर जो मार्केटियर्स हैं उनका मेन फोकस किस पर होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स। ठीक है, मतलब ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करना और सोशल भी रहना, ठीक है, सोसाइटी का वेलफेयर भी देखना। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है, कस्टमर पर होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपना प्रोडक्शन अपना प्रॉफिट्स कम देखती है, बल्कि सबसे ऊपर किसको रखती है, कस्टमर्स को रखती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि अगर ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो ज़्यादा उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, तो इन रिटर्न उनको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट अटेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके का कॉन्फिडेंस वो विन करना चाहते हैं किसका, कस्टमर्स का। ठीक है, मार्केटिंग रिलेटेड सेपरेट वीडियोज़ मैंने दे रखी हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ की, तो फिलॉसफीज़ क्या करती हैं, दे एक्ट एज अ गाइड, ये मैनेजमेंट को गाइड करती हैं कि किस तरीके से कैसे डिसीजंस लेने हैं या किस पर मेन फोकस करना है। इट डिटरमाइंस द एम्फोसिस और द वेटेज टू बी पुट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, हमारे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जैसे प्राइसिंग हो गई, ठीक है, प्रमोशनल टेक्निक्स हो गए, तो किस पर ज़्यादा एम्फोसिस देना है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है, वो हमको इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ द्वारा पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करने से पहले, अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं सबसे पहली मैनेजमेंट फिलॉसफी जो आई थी, वो आई थी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मतलब जो पहले की ऑर्गेनाइजेशन थी वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो करती थी, और ये कॉन्सेप्ट भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी भी कंपनीज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रही हैं, कर रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, पहले उसको जानने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस कॉन्सेप्ट का, वो दो ए होते हैं, यानी कि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये जो कंपनीज ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं, वो ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके कस्टमर्स तक प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाने चाहिए और अफोर्डेबल प्राइजेस में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इनका ये मानना है, इफ़ यू इंक्रीज इन प्रोडक्शन यू विल डिक्रीज कॉस्ट। मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी जल्दी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अर्न करेंगे, उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम डिक्रीज कर पाएंगे। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम प्रोडक्ट को जो है वो नॉर्मल मतलब ऐसे रेट्स पे सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे कि जो कस्टमर है वो उसको अफोर्ड कर पाए और वो इजीली अवेलेबल भी हो जाए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है फूड, ठीक है, ये अभी भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, फूड चेन्स हो गई आपके, मैकडी हो गई, ठीक है, या जितनी भी और बर्गर किंग हो गई, तो ये लोग किस पर बिलीव करते हैं कि जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने ज़्यादा इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम आएगी। ठीक है, अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, असेंबली लाइन, प्रोसेस, रोबोट्स, बेंचमार्किंग, इन सब पर फोकस किया जाता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग मायोपिया। तो मार्केटिंग मायोपिया मतलब होता है क्लोज सेंटर, मतलब आप सिर्फ पास का देख रहे हो, आप दूर का नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है आपका मार्केटिंग मायोपिया। इसमें मतलब जो मेन फोकस होता है कंपनी का, वो अपनी ही एक्टिविटीज़ पे होता है, ये कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, प्लस ये इतने शॉर्ट साइटेड होते हैं कि ये रैपिड चेंजेस भी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं जो एनवायरनमेंट में होते हैं। जैसे नोकिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एंड्रॉयड और iOS के आने से क्या था, नोकिया का बिजनेस डाउन हो गया। तो ये क्या थी मार्केटिंग मायोपिया, कि वो ट्रेंडिंग चेंजेस जो आ रहे हैं या कस्टमर के चेंजेस, चेंजिंग डिमांड्स या वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसको नोकिया एनालाइज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस है वो फेल हो गया और वो नई टेक्नोलॉजी या फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करने में अनेबल रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब जो मेन फोकस किस पर होता है, प्रोडक्ट पर होता है, उसकी क्वालिटी, उसकी इनोवेशन और उसकी परफॉर्मेंस पर होता है। हर ध्यान किस पर होता है, प्रोडक्ट पे ही होता है, उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, ठीक है, इनोवेशन की हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस। जैसे एग्जाम्पल हो गए, मोबाइल कंपनीज ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज ये फॉलो करती हैं। ठीक है, जितना अच्छी, ये लोग ये सोचते हैं कि जितनी अच्छी क्वालिटी हम प्रोडक्ट की देंगे कस्टमर को, उतने ज़्यादा कस्टमर बेस उनके पास बनेगा। ये कस्टमर की नीड नहीं देखते, बल्कि ये अपने प्रोडक्ट से
कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, ना कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर? ये डिपेंडेंट नहीं है कस्टमर की नीड्स पे, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर ये अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो इनके पास कस्टमर आएंगे। ठीक है, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले कस्टमर की नीड्स एनालाइज करो, उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो। लेकिन पहले ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, मतलब एनी हाउ हमको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, एनी हाउ हमको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, इसलिए इसको एग्रेसिव सेलिंग ही बोला जाता है, जैसे फेयर एंड लवली है। ठीक है, अब वो उसमें बोलती है कि आप विद इन वन वीक आपका कलर जो है फेयर हो जाएगा, तो क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, एक तरीके की एग्रेसिव सेलिंग है, मतलब एनी हाउ बस चाहे आप झूठ बोल रहे हो, चाहे आप प्रेशर डाल रहे हो, बस आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, कस्टमर्स को और प्रॉफिट अर्न करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए जैसे माउंटेन ड्यू। ठीक है, अब माउंटेन ड्यू का क्या है, डर के आगे जीत है, जब भी डर लगे तो माउंटेन ड्यू पी लें आप। लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? हेल्थ पर पड़ रहा है लोगों की। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, एग्रेसिव सेलिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केटिंग किससे स्टार्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर नीड्स। ठीक है, तो पहले कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई करी जाती है इसमें, उसके बाद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा जाता है, आइडेंटिफाई करी जाती है नीड, उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आज के टाइम में मैक्सिमम कंपनीज ऑप्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं कस्टमर ओरिएंटेड हैं, इनके लिए कस्टमर जो है वो पिन पॉइंट है। जैसे क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज है, आप कस्टमर के नीड्स टेस्ट के हिसाब से ही ये क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनका ट्रेंड देखते हैं आप, टाइम टू टाइम ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज़ भी अपने फैब्रिक, अपनी क्वालिटी, अपनी डिज़ाइनिंग को चेंज करते रहते हैं। टाटा नैनो कार हो गई, ठीक है, अब इसने क्या देखा था कि वो बहुत लोग ऐसे हैं जो कार परचेज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके बजट में नहीं आती, तो इसने क्या था, एक लो बजट कार निकाली। ठीक है, ताकि जो लोग कार नहीं परचेज़ कर पाते हैं वो लोग टाटा नैनो कार परचेज़ कर सके। तो यहाँ पर उसने किसको दिमाग में रखा, कस्टमर्स को दिमाग में रखा, रेस्टोरेंट्स हो गए। ठीक है, अब वो अच्छा फूड भी सप्लाई करते हैं, प्लस उनको ये भी पता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम एक एम्बियंस, एक इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहेंगे, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए रेस्टोरेंट्स ने भी ये वाला कॉन्सेप्ट ऑप्ट करा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, मतलब सोसाइटी। तो आप यहाँ पर नीड भी सेटिस्फाई कर रहे हो प्लस सोशल वेलफेयर भी कर रहे हो। ठीक है, सोशल वेलफेयर का क्या मतलब आ जाएगा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, डाबर हो गया, PNG हो गए, बोलते हैं एक रुपये शिक्षा की तरफ, तो ये क्या है, ये सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ITC है, ठीक है, इसने एक ई फार्मिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा अपने फार्मर्स को ताकि वो एग्रीकल्चर में और ज़्यादा अच्छा कर सकें, तो उनका डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं CSR, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो किस में जाता है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट में। रिलायंस हैं, ठीक है, बहुत सारे उसने जो भी स्लम एरियाज हैं, ठीक है, या जो विलेजर्स हैं उसमें बहुत सारे हमने एडवर्टीजमेंट में भी देखे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, जैसे टॉयलेट्स ओपन करवाए। ठीक है, तो ये क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट से और सोसाइटी का वेलफेयर भी कर रहे हैं। तो आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, प्लस एक ये मैंडेटरी भी हो गया है अकाउंट्स में कि आपको एक हेड अपना CSR के का भी शो करना है, जिसमें आपको ये बताना है कि आपने कितना CSR में फंड डिनोट करा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से ऑर्गेनाइजेशन आई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से आई आपकी सेलिंग कॉन्सेप्ट से, सेलिंग कॉन्सेप्ट से आई मार्केटिंग पे, और मार्केटिंग से आई सोसाइटल कॉन्सेप्ट। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज सिर्फ सोसाइटल कॉन्सेप्ट ही फॉलो कर रही हैं, वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रही हैं, वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रही हैं। थिंग इज़, जो हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि कितना वेटेज देना है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे कितना वेटेज देना है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे कितना वेटेज देना है, सेलिंग पे कितना देना है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन पे कितना कॉन्सेप्ट देना है, इस ये कौन गाइड करता है इनको, मार्केटिंग फिलोसफीज गाइड करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब लर्नर्स डिफरेंट आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिफरेंस इन सेलिंग एंड मार्केटिंग, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने मार्केटिंग की वीडियो शेयर करी थी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अबाउट द नीड्स वॉन्ट्स एंड डिजायर्स, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, आई होप आपको वीडियो समझ में आए, समझ में तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।